न्यूक्लियर की बात करेंगे हम लोग, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टोर है। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो जितना भी फ्लूइड फिल हो रखा है इसके अंदर, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। यानी कि ये एक सेल के अंदर वो फ्लूइड है जो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए मैंडेटरी होता है। इसमें सारे मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म, जो ग्रोथ के लिए या फूड प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स के अंदर मेजरली ये होगा साइटोप्लाज्म। तो ये सभी में प्रेजेंट होता है, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे ईआरपी, ये होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमको एक चैनल प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनिज्म का फ्लूइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनका जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक दूसरे के। और ईआर का मेजर फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन और प्रोटीन प्लस लिपिड का फॉर्म करती है। लिपिड्स का फॉर्मेशन करती है। अब वो प्रोटीन का और लिपिड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से करती है वो हम देखते हैं। ईआर होती है दो टाइप की, एक होती है एसईआर, एक होती है आरईआर। अब एसईआर जो होती है स्मूथ होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो होती है वो रफ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो क्यों होती है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर जो होते हैं राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी जो लेयर होती है आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाएंगे, और जो स्मूथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है इसमें यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट हैं, तो इसके लिए फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे। ये मिलकर के प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करती है। अब जो ईआर होती है वो हमारी किस तरीके की दिखती है, ये ट्यूब्स का एक स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये ट्यूब्स होती हैं, या ये कहें इन्हें हम बैग्स कहेंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, वेसिकल्स। ये होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमें चैनल प्रोवाइड करवाती है। अब हम बात करेंगे गॉल्जी अपैरेटस की, तो इसको डिस्कवर किसने किया, कैमिलियो गॉल्जी ने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया है कैमिलियो गॉल्जी अपैरेटस। ये जो है ये क्या होती है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती है, वेसिकल्स होती है। ये किस फॉर्म में होती है, फ्लैटेंड सैक्स भी कहते हैं इसे। अब सैक किसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं, सैक यानी कि बायोलॉजी में बैग भी होता है, जो एक झोले के अंदर इकट्ठा रखता है, यानी कि स्टोर के काम आता है, स्टोरिंग फूड के काम आता है गॉल्जी अपैरेटस। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं, जितने भी आपके ये फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब स्टोर होते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है,
फिंगर लाइक होती है लेकिन ये पैरेलल होती है एक दूसरे के, ये तीनों एक साथ हैं, ये पैरेलल कंडीशन में है। जो हमने गॉल्जी अपैरेटस में ये स्ट्रक्चर देखी है इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहते हैं हम इन्हें। अब आगे हम देखेंगे लाइसोसोम। ये थर्ड नंबर का हमारा है ऑर्गेनल लाइसोसोम। इसका काम क्या है? ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? वो RER बनाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, जो कि हमारा जितना भी फूड है या जो भी वेस्ट मटीरियल जितना भी है हमारे बॉडी का उसको लाइसोसोम तक लेकर के आने का काम करता है। और फिर ये यहाँ क्या करता है, उस जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स जो हैं उसको डाइजेस्ट करके या ब्रेक डाउन करके वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। तो लाइसोसोम का क्या काम होता है? लाइसोसोम सिर्फ फूड को ही नहीं, जितने सेल ऑर्गेनल्स भी जो है या जैसे RBCs जो हैं तो जो खत्म हो जाएंगी उनका लाइफ स्पान जो होता है वो 90 दिन का होता है, 90 डेज का तो होता है उनका इकोलाई के अंदर और 120 डेज का होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि एनिमल्स के अंदर 120 डेज का होता है लाइफ स्पान। उसके बाद में ये RBCs जो है वो लाइसोसोम के अंदर चली जाती है, इसलिए इस लाइसोसोम को ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। तो कभी क्वेश्चन पूछ रहे कि लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं तो वो होगा सुसाइडल बैग। अब हम आते हैं चौथे नंबर के सेलुलर ऑर्गेनल पर, वो होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या विद्युत प्राय कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसे। तो इसमें पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ATP का फॉर्मेशन करता है। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ATP के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आप लोगों की बुक में नहीं है तो इसलिए मैं बना रही हूँ। बाकी आप लोग नेट से देख सकते हैं ये डायग्राम और अच्छे से मिल जाएगा आप लोगों को। ये आप लोगों की माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये होती है क्रिस्टी होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और इसके पास में अपना खुद का DNA भी होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम और DNA भी प्रेजेंट होता है। इसलिए इसे हम ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। अब हमारे आ जाएगा प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड। अब ये जो प्लास्टिड है ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में
ये एब्सेंट होता है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। इसके पास में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट्स में होता है। तो अब प्लास्ट कितने प्रकार का होता है? एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्रोमो यानी कि कलरफुल होगा ये। तो इसमें पिगमेंट्स कौन से होंगे? एक तो येलो होगा, ऑरेंज होगा, और हम लोग जब नेकेड आई से देखेंगे या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये ग्रीन इन कलर दिखेगा। और ल्यूकोप्लास्ट, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ल्यूको यानी कि कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। तो ये कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। इसका काम क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का तो यूज है फोटोसिंथेसिस के अंदर है। जब फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड जब परफॉर्म होते हैं तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये जितने भी स्टोर करने का काम करता है, ये हमारे जितने भी फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सबको ये स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। इसके पास में भी अपना खुद का डीएनए होता है, तो इसे भी हम लोग ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। और ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर कई सारे ऐसे वलन मिलते हैं, ऐसे ये जुड़ा होता है। ये इसमें ये स्ट्रोमा होता है। इसका डायग्राम भी आप लोगों को नेट से देखना होगा। ये ऐसे करके पूरे डायग्राम के अंदर ये फैला होता है। क्लोरोप्लास्ट की ये स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो होते हैं थाइलाकोइड्स होते हैं, और स्ट्रोमा, थाइलाकोइड्स, ग्रेना, ग्रेना। और अगर पूरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो टोटल मिलाकर के हम कहेंगे ग्रेना। और इस किसी एक को कहेंगे तो हम कहेंगे ग्रेना। ये हमारी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होगी। अब आती है हमारे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होती है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, या एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है। ये स्मॉल इन साइज होती है। ये 50-90% जितना भी स्पेस होता है वो ये प्लांट के अंदर घेर करके रखती है। तो इसके अंदर क्या होता है? स्टोर फूड मटेरियल होता है। स्टोर फूड मटेरियल होता है। और इसके बाहर जो होती है, ये जैसे कि वैक्यूल है, तो इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम कहेंगे टोनोप्लास्ट। अब हमारा आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब है कि जो भी लिविंग सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी और आगे जाकर के नया जो भी सेल होगी उसका फॉर्मेशन करेंगी। तो सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। एक होता है माइटोसिस। अब जो मियोसिस होता है, इसमें जो सेल का डिवीजन होगा, तो ये जो पेरेंटल सेल है वो फर्दर डिवाइड होगी। इसमें चार सेल्स बनेगी और माइटोसिस में सेम सिर्फ एक ही सेल बनेगी। ये होगी पेरेंटल मदर सेल होगी, और इसकी सेम कॉपी बनेगी वो होगी डॉटर सेल। ये क्या करती है? हेल्प करती है ग्रोथ के अंदर, और क्या करती है? रिपेयर
टिश्यूज का ऑफ और ये सेम मदर की जैसी ही एक डॉटर सेल बन जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे ये क्रोमोसोम्स जो हैं, ये क्रोमोसोम्स नेक्स्ट चैप्टर होगा बायो का सेकंड चैप्टर। ये आज हमारे ये पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो गया है 5th नंबर का। ओके थैंक यू।